आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी जो बनी है स्प्राउट्स मूंग की, और ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, साथ ही टी टाइम स्नैक्स में और बच्चों के टिफिन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपके साथ एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं टेस्टी सी एक रेसिपी। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले मूंग का मसाला पीस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हरी वाली मूंग, जिसे मैंने सोख करके रख दिया था और एक दिन के लिए मैंने इसे स्प्राउट्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का स्प्राउट्स आ गया है, तो मैंने इस तरीके से इसे रेडी कर लिया है। और अगर आप स्प्राउट नहीं करना चाहते तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसमें मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च ऐड करें। और मैंने इसे सारे ट्रांसफ़र कर दिए हैं जार में, ताकि हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना सकें। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इतने कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जिसे हम इसमें पेस्ट के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी, और अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच आप पानी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। मैं आपको इसकी पेस्ट की थिकनेस भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से पेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल भी पतला पानी जैसा पेस्ट नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा थिक रखना है। तो आप पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि पेस्ट जो हो वो इस तरीके से प्रिपेयर हो पाए। फिर इसमें मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर दें। तो बस मसालों में यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गरम मसाला या कोई भी अदर कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। जितना कम इसमें मसाला जाएगा उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी थिकनेस है अभी भी मेंटेन है। तो आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि पानी का इस्तेमाल कम से कम इस पेस्ट के लिए करना है। तो बस इस तरीके से पेस्ट को रेडी कर लिया है, तो इसे रखते हैं साइड, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ सेकेंड स्टेप में हम डो को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है आटा, जो व्हीट फ्लावर का आटा आता है उसी को मैंने यहाँ यूज़ किया है। फिर साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि जो मसाला पेस्ट हमने रेडी कर रखा है मूंग का, उसमें भी नमक है। तो बस हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा मीडियम हम इसका डो प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं, तो बस थोड़ा सा और टाइट आप उस तरीके से इसका आटा प्रिपेयर कर लें। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका डो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, और हेल्दी इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे मूंग दाल और आटा, जो व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, बिल्कुल भी मैदा का इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए नहीं किया है मैंने, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसको अच्छे से एक बॉल के साइज़ का लोई ले लेंगे। तो इसे अच्छे से मैंने रोल कर लिया है, और एक चपाती जैसे हम बेलते हैं उस तरीके से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लावर को डस्ट कर लिया है, और इसे रोल कर लेंगे। जिस तरीके से रोटी बेली जाती है उस तरीके से हम इसे बेल लेंगे, और बिल्कुल भी मोटा पतला बिल्कुल भी ना बेलें, एक तरीके से आप इसे बेल लें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको इसका साइज़ उतना ही रखना है जितना बड़ा आपका स्टीमर प्लेट हो। स्टीमर प्लेट के हिसाब से आप इसकी रोटी की गोल बेल लें, ताकि आपको उसमें रखने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो आप अपनी स्टीमर की प्लेट के पहले आप देख लें कितना साइज़ है, उस तरीके से आप इसे बेल लें। तो इस तरीके से मैं बेल ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मोटा पतला नहीं बेलना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, कुछ इस तरीके से थिकनेस आप बेल लें। फिर जो हमने मूंग दाल का प्रिपेयर करके रखा था पेस्ट, उसको अब इस पर हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल करके इसको स्प्रेड करें, ताकि अच्छे से ये स्प्रेड हो पाए। और इसका पेस्ट इसलिए थिक रखना था ताकि हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर पाए। अगर पानी इसमें हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा। तो इस वजह से आप इसको पानी को कम इस्तेमाल करें पेस्ट बनाते टाइम। तो आप देख सकते हैं कुछ इक्वली इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है, बिल्कुल भी मोटा पतला नहीं रखना है, और हमें कोने कोने तक अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो बस इस तरीके से स्प्रेड कर लेने के बाद अब इसको फोल्ड करेंगे। तो टाइटली हमें इसे फोल्ड करना है, और थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इसे अच्छे से फोल्ड करिएगा, ताकि इसका जो रोल है वो बिल्कुल भी खुले नहीं।
तो धीरे धीरे आप इसे फोल्ड करें, अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप इसे पेशेंस दोनों हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से फोल्ड करें ताकि ये टाइट फोल्ड हो पाए। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है फोल्ड करना। आप अगर टाइट फोल्ड करेंगे तो उतना ही अच्छा शेप आएगा इसका। तो इस तरीके से फोल्ड करें, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो बस ये एक रोल हमारा रेडी हो गया है, और आप इसे तभी उठाएं जब आपको इसको स्टीमर प्लेट पे प्लेस करना हो, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने ले लिया स्टीमर प्लेट, और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया है, और बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले रोल इस पर प्लेस कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ हमें इसे स्टीम करना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल करके अच्छे से गर्म कर लिया है, और बाकी के रोल्स भी मैंने इस प्लेट पे प्लेस कर दिया है। बस इस प्लेट को हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो सके। अगर आपके पास प्रॉपर स्टीमर हो तो आप उसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं, पर जिनके पास स्टीमर नहीं है तो वो ईजिली इस कढ़ाई की हेल्प से भी स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 12 से 14 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने बैम्बू स्टिक की हेल्प से इसमें थोड़े से होल्स बना दिए ताकि अंदर तक इसकी स्टीम जाए और अच्छे से ये पक सके। रोल्स में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं जिसे पकने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इस ट्रिक के वजह से। तो वापस से मैंने कवर कर दिया है लिड से, और बाकी का जो टाइम बचा हुआ है 5 से 7 मिनट के लिए उसे वापस से पका लेंगे। और 14 मिनट हो जाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये रोल जो है हमारा रेडी हो गया है। तो बस इसकी पीसेस हम कट कर लेंगे, 1-1 इंच की लेंथ में आप इसे कट कर लें। अगर आपको ज़्यादा मोटा पसंद हो तो आप मोटे साइज़ के भी कट कर सकते हैं, पर 1-1 इंच की परफेक्ट देखने में लगते हैं। तो उस तरीके से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दिख रहा है, ये खाने में कितना मज़ेदार लगेगा। तो बस इस तरीके से सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया है। पीसेस को कट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आई है जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो सारे पीसेस कट कर लेने के बाद आप चाहे तो इसे स्टीम भी सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम सेलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, और उसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ ताकि इसका सेलो फ्राई हम कर सकें। आप चाहे तो थोड़ा क्रंची पसंद हो ज़्यादा तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं आराम से, पर मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा जो हेल्दी है उसे हेल्दी भी रहने दें और थोड़ा सा टच आ जाए क्रंची का। तो सारे पीसेस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पैन के अंदर तेल गर्म हो जाने के बाद। ये स्टीम पीसेस भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ, आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। मुझे स्टीम भी बहुत पसंद है, और मैंने जो सेलो फ्राई किया वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से सर्व करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे फ्लिप कर दिया जब एक तरफ से रेड हो जाने के बाद। तो इस तरीके से सारे पीसेस को हम पलट पलट करके दोनों तरफ से पका लेंगे, थोड़ा सा रेड हो जाने देंगे, और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये इतना हेल्दी है कि बच्चे अगर आपके कुछ हेल्दी खाते नहीं हैं और उनको कुछ हेल्दी खिलाना है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा बनाएं और उन्हें टिफ़िन में दें, उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। और फैमिली मेम्बर्स को आप टी टाइम स्नैक्स में भी ये सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है, हल्का सा हमने इसे शैलो फ्राई कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने बस इतना शैलो फ्राई के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे, तो बस इसे सर्व कर लेंगे। तो मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ इसे तोड़ करके कि कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसके लेयर्स अंदर तक इतने अच्छे से फिल हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखें।